आजकल सुंदरी चिड़िया ने तो अपने छोटे से खेत में आलू की फसल लगाई हुई थी, जिसमें सुंदरी चिड़िया की फसल तो काफी अच्छे से लगी हुई थी। अब तो फसल भी पक चुकी थी। मम्मा मम्मा, अब हमारी फसल पक चुकी है, अब हम लोग इस फसल को बेचकर एक अच्छी सी मोटर बाइक लेंगे। हाँ गुड़िया बेटी, सबसे पहले तो हम लोग अपना एक नया घर खरीदेंगे, फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को एक नई मोटर बाइक ले दूंगी। ऐसे ही सुंदरी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया, वो दोनों वहाँ पर बैठकर खुशी खुशी में बातें कर रही थी। इस बात की खबर गोरी कवि और कालू कवि तक पहुँच जाती है। कालू जी, सुनो, देखो, उस सुंदरी चिड़िया ने तो आलू की फसल लगाई हुई थी, अब तो उसकी फसल भी पक चुकी है, लेकिन कालू, अगर उसकी फसल बिक गई वो तो अमीर हो जाएगी। अरे गौरी, तुम परेशान ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। देखना, मैं ऐसा उपाय सोचूंगा कि सुंदरी चिड़िया तो सुबह होते ही वहाँ पर बैठकर अपनी फसल को रो रही होगी। अच्छा, तो बताओ तो सही मुझे, कैसा उपाय है तुम्हारे पास और क्या करोगे तुम? तभी फिर ऐसे ही गोरी कवि और कालू कौवा, वो दोनों वहाँ पर बैठकर एक शैतानी उपाय सोचते हैं। कालू कौवे का तो हर वक्त यही काम होता था कि दूसरे पक्षियों के बारे में बुरा भला ही सोचना। फिर ऐसे ही वो दोनों पति पत्नी एक बुरा उपाय सोच लेते हैं। ऐसे ही जब आज रात शाम होती है तो गोरी और कालू, वो दोनों ऐसा करते हैं कि रात होते ही सीधा सुंदरी चिड़िया के खेत में चले जाते हैं। जितनी भी आलू की फसल पकी हुई थी वो सारी की सारी फसल वहाँ से चोरी करके वापिस अपने घर ले आते हैं। तभी फिर ऐसे ही हर शाम गुजर जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो सुंदरी चिड़िया बहुत ही खुशी खुशी के साथ अपनी फसल देखने के लिए अपने खेत में जाती है। जब वहाँ पर जाकर देखती है, वहाँ पर तो कोई भी फसल नहीं थी, जिसे देखकर सुंदरी चिड़िया की तो जान निकल जाती है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत के साथ अपनी फसल की हिफाजत की थी और अपनी फसल को बहुत ही मेहनत के साथ उसने लगाया हुआ था। फिर सुंदरी चिड़िया ये सब कुछ देखकर वहाँ पर बैठी रो रही थी। उधर साथ ही गौरी और कालू भी, वो दोनों भी उठते हुए कहीं पर जा रहे थे। जैसे ही वो देखते हैं कि सुंदरी चिड़िया वहाँ पर बैठकर रो रही है, तो वो दोनों देखकर एक दफ़ा खुश हो जाते हैं। देखो गौरी, मैंने तुम्हें कहा था कि सुंदरी चिड़िया सुबह अपने खेत में बैठकर रो रही होगी, देखो आज वही हुआ है। फिर वो दोनों ऐसा करते हैं कि उड़ते हुए सीधा सुंदरी चिड़िया के पास आन बैठते हैं। चिड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतनी परेशान हो और क्यों इतना जोर जोर से रो रही हो? अरे गौरी, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ अपने यहाँ पर आलू की फसल लगाई थी, लेकिन पता नहीं कौन से दुष्ट पक्षियों ने मेरी सारी की सारी फसल रातों रात ही चोरी कर ली। ये बात सुनते ही गोरी और कालू तो अंदर ही अंदर में खुश हो रहे थे। फिर ऐसे ही गोरी कभी कहती है, चिड़िया, मुझे तो तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं, लेकिन वो क्या है ना चिड़िया, जब भी मैं रोने का सोचती हूँ तो मेरे आँखों में आंसू नहीं आते। हाँ चिड़िया, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन देखो अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अरे कहो, तुम लोग मेरा मजाक तो ना उड़ाओ, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम दोनों खामोश होकर यहाँ से चले जाओ, मुझे तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और ऊपर से तुम दोनों मेरा दिमाग ना खराब करो। फिर ऐसे ही वो दोनों गोरी कवि और कालू कौवा उड़ते हुए वहाँ से चले जाती हैं और वो बहुत ही खुशी खुशी से उड़ रहे थे। फिर ऐसे ही आज शाम हो जाती है। फिर ऐसे ही अगले दिन जब सुबह होती है तो गुड़िया तो अपने खेत में जाकर बैठ जाती है। आज गुड़िया की हाला भी दूसरे जंगल में उड़ती हुई अपनी बहन और अपनी बांजी को मिलने के लिए आ रही थी। जैसे ही टोन चिड़िया अपनी बहन के खेत में पहुँच कर देखती है, वहाँ पर आगे तो गुड़िया बैठी हुई थी। टोन चिड़िया फिर सीधा गुड़िया के पास आन बैठती है। गुड़िया बेटी, क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम अकेली बैठ कर और इतनी परेशान क्यों हो? गुड़िया तो अपनी आंटी को देख बहुत खुश हो जाती है। फिर ऐसे ही गुड़िया सारी की सारी बात अपनी आंटी टोन चिड़िया को बताती है और अपनी आंटी को साथ लेकर उड़ती हुई सीधा वापस अपने घर लेकर आती है। अरे चिड़िया बहन, मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे ये सारी बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है, बताओ तो सही किस पक्षी ने किया है ऐसा? टोनी बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा होना है तो मैं कल ही अपनी फसल को वहां से घर ले आती। अच्छा
चिड़िया बहन आप लोग परेशान ना हो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है, मैं आपको बताती हूँ। तुम ऐसा करो कि इस दफा ये वाली फसल को उगाओ और फिर उसके बाद आपने उस फसल की खूब हिफाजत करना और उस फसल से तुम्हें काफी अच्छा मुनाफा भी होगा। तभी फिर ऐसे ही टोनी चिड़िया सारी की सारी बात अपनी बहन सुंदरी चिड़िया को समझा देती है। अरे टोनी बहन, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बीज मिलेगा कहाँ से? अरे चिड़िया बहन, मेरे पास ये बीज है, मैं तुम्हें देती हूँ, ये देखो इसमें है वो बीज। फिर ऐसे ही टोनी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी चिड़िया को स्ट्रॉबेरी का बीज देती है। और फिर ऐसे ही जब अगले दिन सुबह होती है, सुंदरी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वो दोनों फिर से ऐसा करती हैं कि उस स्ट्रॉबेरी के बीज को अपने उस खेत के फसल में उगा देती हैं। ऐसे ही चंद दिन गुजर जाते हैं। चंद दिनों तक सुंदरी चिड़िया ने जो अपने खेत में फसल लगाई थी उसके ऊपर तो फल भी लग जाता है, जिसे देख सुंदरी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। मम्मा, कितना खूबसूरत फल लगा हुआ है, देखो ऐसे है जैसे कि गुलाब का फूल होता है, कितने अच्छे और सुंदर सुंदर यहाँ पर सूरज फल लगे हुए हैं। हाँ गुड़िया बेटी, इस दफ़ा हमारी फसल भी काफ़ी अच्छी है और हम लोग इस फल को बेचकर अपने लिए एक नया घर खरीदेंगे और अपनी बेटी गुड़िया के लिए एक नई मोटर बाइक भी। फिर ऐसे ही सुंदरी चिड़िया उसके बाद ऐसा करती है, वो दिन और रात अपनी उस खेत में अपनी फसल की हिफाजत करती रहती है। जब ये बात गोरे कवि और कालू कवे तक पहुंचती है कि सुंदरी चिड़िया ने तो अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई है, वो फिर से सुंदरी चिड़िया की फसल को बर्बाद करने का सोचते हैं। वो तो आज फिर शाम को उड़ते हुए जब वहाँ पर आकर देखते हैं कि वहाँ पर फसल लगी हुई है, जैसे ही वो सुंदरी चिड़िया की फसल तोड़ने लगते हैं तो आकर देखते हैं कि सुंदरी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वो दोनों तो वहाँ पर बैठी अपनी फसल की हिफाजत कर रही हैं। फिर ऐसे ही वो दोनों वहाँ से उड़ते हुए भाग जाते हैं। तभी फिर ऐसे ही चंद दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सुंदरी चिड़िया की फसल तो बिल्कुल पक चुकी थी। अब सुंदरी चिड़िया ऐसा करती है कि सारा का सारा फल उतार कर अपने एक ट्रैक्टर के ऊपर लोड करती है और उस फल को लेकर सीधा कबूतर भाई के पास जाती है। कबूतर भाई जो कि एक मंडी का मालिक था, और जाकर सारी की सारी फसल उसको बेच देती है। अरे कबूतर भाई, मेरे पास स्ट्रॉबेरी का फल है, मैंने अपने खेत में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी लगाई है, आप लोग बताओ मुझे आप लोग मुझे क्या रेट दोगे? ऐसे ही सुंदरी चिड़िया और कबूतर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेते हैं। चिड़िया बहन, आपके मैंने फल को देखा है, आपका फल तो बहुत ही मज़ेदार है और आपका फल भी ठीक है, मैं आपको उस सारे के सारे खेत के ऐसा करता हूँ कि चंद सोने के सिक्कों के भाव में ले लेता है। सोने के सिक्के देखकर सुंदरी चिड़िया तो खुश हो जाती है। फिर उसके बाद सुंदरी चिड़िया उन पैसों को लेकर वापस जाती है और जाकर अपनी बेटी गुड़िया के लिए एक अच्छी सी मोटर बाइक लेकर आती है और उसके बाद अपना एक नया घर खरीदती है। और वो फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी में अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।